नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजार आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलिफेंटा केव के बारे में, और भी कई ढेर सारी जो साइट्स जो बच गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो एलिफेंटा केव है ये लोकेटेड कहाँ पे है, मुंबई में। और ओरिजिनली मतलब शुरू शुरू में ये क्या था, ये बुद्धिस्ट साइट था, मतलब बौद्ध धर्म के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में ये इसको जो है, जो शैव धर्म को जो लोग मानते हैं, उन्होंने इस प्लेस को डोमिनेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आपको याद करने के लिए बताऊं, तो देखिए जो एलिफेंटा केव है ये कहाँ पे है, मुंबई के पास में। मुंबई को हम क्या बोलते हैं, हम बम्बई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बम्बई भी कहते थे। तो देखिए अगर हम बम्बई कहें तो बम्बई का नाम लें तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BSE, तो BSE से क्या हो जाएगा, बी से बुद्धिज्म भी हो जाएगा और एस से सैविज्म। तो आप कह सकते हैं, देखिए शुरू शुरू में तो ये बुद्धिस्ट साइट थी, लेकिन बाद में ये सैविज्म में तब्दील हो गई। और ये कंटेम्प्रेरी किसके साथ है, एलोरा केव के साथ है, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी जो साइट वो कौन सी है, बाघ, जो कि लोकेटेड है इंदौर के पास, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दूसरी जो है आपकी नोटवर्थी केव साइट है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंट्रेंस है एलिफेंटा केव के लिए, आपको ये पिक्चर इमेज दिख रही होगी। चलिए आगे अब बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिशन था रॉक कट केव का, वो जो हमारा डेक्कन है दक्षिण भारत में भी कंटिन्यू रहा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं फैला था, बल्कि कर्नाटक में कहाँ पे, बादामी, ऐहोल। अब यहाँ पे बादामी और ऐहोल में इसको किसने पेट्रोनेज दिया था, चालुक्या ने। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी रॉक कट केव हमको मिलते हैं, और तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु के कहाँ पे, महाबलीपुरम में भी हमको रॉक कट केव मिलते हैं, जिस और किसके पेट्रोनेज में बनाए गए थे, पल्लवा के पेट्रोनेज में। अब देखिए दोस्तों, जो पोस्ट 6th सेंचुरी जब आपका चालू होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो भी आर्ट का जो डेवलपमेंट जो था किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था, पॉलिटिकल पेट्रोनेज के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर राजा चाहता है, राजा का अगर समर्थन मिलता है, तभी वो आर्ट जो है डेवलप हो पाता था। लोगों का जो जो जनता जो थी उसका पेट्रोनेज अगर ना भी मिले, जनता का कलेक्टिव पेट्रोनेज अगर ना भी मिले, ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका था, पॉलिटिकल पेट्रोनेज का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएगा टेराकोटा फिगर क्या होते हैं। मैंने आपको हड़प्पा वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। आप देखिए जो टेराकोटा फिगर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपना जो जिस जिस एरिया में ये मिलता है, अपने अपने लोकल ट्रेडिशन के ऊपर ये जो है बनाए गए हैं, ठीक है। और कई ढेर सारे टेराकोटा फिगर मिलते हैं, इनके साइजेस में भी काफ़ी वेरिएशन है, अलग अलग साइज के मिलते हैं। और ये जो हमको टॉयज भी मिलते हैं, मतलब कि ये जो टेराकोटा फिगर जो हैं, ये कैसे होते थे, टॉयज की तरीके से होते थे। और ये टॉय किस चीज़ किसके होते थे, जो भी रिलीजियस, जो भी देवी देवता देवता जो होते थे, जिसको हम पूजते हैं आज भी, तो उनके हमको जो है फिगर्स, उनके टेराकोटा फिगर्स हमको मिलते थे। अब देखिए हम बात करेंगे कि केव ट्रेडिशन जो कि ईस्टर्न इंडिया के तरफ किस तरीके का था, जो हमारा पूर्वी भारत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा वेस्टर्न इंडिया के बारे में, तो जो बुद्धिस्ट केव जो कि हमको ईस्टर्न इंडिया में जो मिली, वो कहाँ कहाँ पे मिली है, जो कोस्टल रीजन है आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का। और अगर सबसे अगर मेन साइट की बात करें, तो जो गुंडापल्ले है, जो कि एलोरे डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का है, वहाँ पे हमको सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट मिली है। अब देखिए दोस्तों, इस प्लेस पे गुंडापल्ले में हमको जो है स्तूप, विहार और केव, ये सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिल गई हैं। और जो गुंतापल्ले का जो चैत्य है, वहाँ पे हमको एक सर्कुलर स्तूप मिलता है, ठीक है दोस्तों। और ये सर्कुलर स्तूप किसमें है, एक सर्कुलर हॉल के अंदर है। और देखिए दोस्तों, ये जो ईस्टर्न इंडिया के जो केव हैं, वो मतलब जो आपके वेस्टर्न इंडिया के केव थे उनसे छोटे हैं अगर कंपेयर करें तो। और कई ढेर सारे हमको जो है विहार केव भी मिलते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, उदयगिरी, खंडगिरी केव जो कि भुवनेश्वर में है, उसके बाद आपको बरांडा दिख रहा होगा उदयगिरी खंडगिरी केव का,
और देखिए दोस्तों, जो भी मेन विहार केव हैं, जो भी मुख्य विहार केव हैं, उनको वो छोटे हैं साइज में, लेकिन उनको डेकोरेट किससे किया गया है, चैत्य अर्क से डेकोरेट किया गया है। और जो केव हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंगल स्टोरेज भी मिलेंगे और डबल स्टोरेज भी मिलेंगे। और इनका जो सेंट्रल हॉल है, उसमें यहाँ पे जो है कोई बहुत बड़ा सेंट्रल हॉल नहीं मिलेगा आपको, ईस्टर्न रीजन वाले जो भी केव हमको मिलेंगे। और ये जो है रेक्टेंगुलर, आपका इनका जो रूफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रेक्टेंगुलर साइज में रहेगा, ठीक है, सर्कुलर या किसी और डायमेंशन में नहीं, रेक्टेंगुलर डायमेंशन में आपको मिलेगा। और अगर दोस्तों इनके टाइम पीरियड की बात करें, तो ये कब के हैं, 2nd सेंचुरी BCE के। अब देखिए दोस्तों, हमको और भी केव मिलते हैं जो कि आगे जो भी हमारे जो समय जो चला, जो भी सब्सिक्वेंट सेंचुरीज आई जो है उनको ऐड किया गया, लेकिन यहाँ और जो भी केव जो कि आगे बने वो ज़्यादातर विहार टाइप के थे, ठीक है, चैत्य केव ना बन के विहार टाइप के केव बने। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा गुंतापले के बारे में जो कि आंध्र प्रदेश में था। एक और इम्पॉर्टेंट केव साइट कौन सी है, रामपरम पलम, ठीक है, रामपरम पलम, आप प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा, जो कि एक बहुत ही मॉडरेट स्मॉल मतलब छोटा केव है। और यहाँ पे जो रॉक कट स्तूप जो बनाई गई है वो हमको जो है किसके ऊपर बनाई गई है, हिलॉक के, हिलॉक मतलब कि छोटे छोटा पहाड़, ठीक है, छोटे पहाड़ पे बनाई गई है। एक और हमको जो है रॉक कट साइट मिलती है कहाँ पे, अनकापल्ली में, जो कि विशाखापट्टनम में है। और ये एक ह्यूज रॉक कट स्तूप यहाँ पे बनाया गया है, ये भी जो है हिलॉक के ही ऊपर बनाया गया है, छोटे से पहाड़ के ही ऊपर बनाया गया है। और कब बनाया गया था, फोर्थ या फिफ्थ सेंचुरी के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो अनकापल्ली वाला जो केव है जो कि विशाखापट्टनम के पास जो मिला है, ये एक बहुत ही यूनिक साइट है। यूनिक साइट क्यों है, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा रॉक कट स्तूप जो है यहीं पे बनाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको जो है रॉक कट ट्रेडिशन उड़ीसा में भी मिलते हैं। और जो सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं, उदयगिरी खंडगिरी केव जो कि भुवनेश्वर के पास है। और हमको इन केव्स में इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, किसके, खरवेला किंग्स के। और देखिए दोस्तों, इंस्क्रिप्शन के हिसाब से मतलब जो भी इन केव्स में जो भी लिखी हुई चीज़ें जो हमको मिली हैं, जैसे कि आपको पता होगा दीवारों पे इंस्क्रिप्शन कर दिया जाता था, पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन कर दिया जाता था, तो हमको यहाँ पे क्या मिला है कि ये जो केव रहा होगा वो जैन मॉन्क्स के बारे में भी मिलता है, ठीक है। तो ये केव किसके लिए रहा होगा, जैन मॉन्क्स के लिए, कौन सा, उदयगिरी खंडगिरी वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये चैप्टर खत्म होता है, तो आप कोशिश करिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उनको सॉल्व करने की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम कुछ और पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को अच्छे से समझेंगे, कुछ इमेजेस हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब हम इन सभी इमेजेस को अच्छे से डिस्कशन करेंगे इनका, और यहाँ से आपकी यूपीएससी में क्वेश्चंस भी उठते हैं। तो देखिए, ये जो है इमेज ये उल्टी है, तो इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। तो जो सबसे पहला फिगर है वो है स्तूप वन का, कहाँ का, सांची का, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सांची का स्तूप है। तो देखिए दोस्तों, जो सांची है, सांची लगभग 50 किलोमीटर दूर है कहाँ से, भोपाल से, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की। और ये जो सांची का स्तूप है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो सांची यहाँ पे हमको कई छोटे छोटे स्तूप भी मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जो तीन स्तूप हैं वो कौन से हैं, सांची स्तूप वन, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे बुद्धा के, गौतम बुद्ध के रिलिक्स हैं, गौतम बुद्ध के रिलिक्स मतलब कि अवशेष, ठीक है, तो गौतम बुद्ध के अवशेष हैं। और जो स्तूप टू है, इसमें ये माना जाता है कि इसमें रिलिक्स हैं 10 फेमस अर्हत्स। अभी अर्हत्स क्या होते हैं, तो देखिए थेरावाद में आपको पता होगा, थेरावाद क्या है, बुद्धिज्म का ही टाइप है। तो जो पर्सन जो कि बुद्ध, गौतम बुद्ध के ही बराबर जो है साल्वेशन अटेंड कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्हत। और अर्हत का मतलब क्या होता है, परफेक्ट पर्सन। तो जो स्तूप टू है, इसमें ये माना जाता है कि इसमें रिलिक्स हैं कम से कम 10 अर्हत के, ठीक है दोस्तों। और ये जो दसों हैं, ये 10 के 10 जो है अलग अलग तीन डिफरेंट जनरेशन में से ये लोग बिलोंगिंग करते थे। और जो दोस्तों, जो स्तूप थ्री है, इसमें जो है रिलिक्स हैं, अवशेष हैं किसके, सरीपुत्ता और महामोगलयान। तो ये जो सरीपुत्ता हैं और जो महामोगलयान हैं, ये क्या थे, ये डिसिपल थे किसके, गौतम बुद्ध के,
ठीक है दोस्तों, बुद्ध के डिसिपल थे ये, बुद्ध के शिष्य थे। अब देखिए दोस्तों, जो स्तूप वन है, अब हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये बनाया गया, आप ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, जो स्तूप वन है उसमें हमको कार्विंग मिलता, मतलब कि यहाँ पे जो है नक्काशी की गई, कहाँ पे, गेटवे पे, जो मतलब जो अंदर घुसने का जो जगह है वहीं पे गेटवे पे ही नक्काशी की हुई मिलती है, जो कि बहुत ही फाइन तरीके से की गई है। अब देखिए दोस्तों, ओरिजिनली ये जो स्तूप था ये छोटे छोटे ब्रिक्स से बना हुआ था, लेकिन आगे चल के इसको जो है स्टोन से कवर कर दिया गया, और जो है वेदिका और तुराना भी बनाया गया। तुराना क्या होते हैं, गेटवेज होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको जो अशोक अशोक का जो शेर वाला जो शेर जो है, जो अशोकन लाइन जिसको आप कहते हैं, तो अशोकन लाइन का कैपिटल पिलर भी मिलता है, जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, जो कि हमको इस स्तूप के साउदर्न साइड में मिलता है, दक्षिण की तरफ मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो प्रदक्षिणा पथ है, जो सर्कमएम्बुलेटरी पाथ जिसको आप बोलते हैं, इस स्तूप के सांची का जो स्तूप है उसको किससे कवर किया गया है, वेदिका से कवर किया गया है। अच्छा, उसके पहले आप ये जान लीजिए, जो तुराना जो होते हैं, तुराना चारों ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो तुराना है, तुराना चारों ही डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें जो थेरावाद की, जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है, उसमें ये कहा जाता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न साइड से, जो पूर्वी तरफ जो तुराना या फिर आप गेटवे कह लीजिए जो रहता है, उसी की तरफ से हमको एंट्री करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों ही स्तूप हैं, हमको इनके स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ बना दिया गया होगा, मतलब कि सभी तीनों का ही टाइम पीरियड अलग अलग रहा होगा। तो देखिए, जो स्तूप वन है ये सबसे पुराना स्तूप है, जिसमें हमको जो है कार्विंग ऑफ इमेजेस, मतलब इमेजेस कार्व की गई हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस स्तूप का जो वेदिका जो है, सॉरी जो स्तूप वन है वो क्या है, वो सबसे पुराना आपका स्तूप है, ठीक है। और जो स्तूप टू है इसके वेदिका के ऊपर कार्विंग की गई है, और ये जो है स्तूप टू के ऊपर है, और इस ये जो कार्विंग जो की गई है, ये माना जाता है कि ये जो स्तूप वन जो था इससे भी पुराना रहा होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको इन स्तूप पे जो है जातक स्टोरीज भी मिलती हैं, और जो पिलर्स हैं, पिलर्स पे हमको इमेजेस किसके मिलते हैं, सलभंजिका के। अब सलभंजिका किसको कहते हैं, सलभंजिका का मतलब लेडी होल्डिंग दी ब्रांच ऑफ अ ट्री। चलिए मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सलभंजिका का मतलब ये होता है, अ लेडी होल्डिंग दी ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जो सलभंजिका जो है एक ऐसी लेडी है कि वो किसी भी चीज़ को वो छू ले तो उसमें जो है जान आ जाएगी, उसमें जो है जीवन आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई नया पर्सन जो है, अगर वो बुद्धिज्म को अगर ज्वाइन अगर करता है, ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में जान आ जाएगी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है आपके बौद्ध धर्म में नए लोग आते गए, बुद्धिज्म को ज्वाइन करते गए, ये लोग बुद्धिज्म में जान डालते गए, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म को इन्होंने, बौद्ध धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, बढ़ाया, फैलाया चारों दिशाओं में। तो ये लोग जो नए लोग जो थे, ये लोग सलभंजिका के ही तरीके से काम करने लगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हर एक तुराना पे हमको जो है दो वर्टिकल पिलर मिलेंगे, ठीक है, और तीन हॉरिजॉन्टल बार भी मिलेंगे, और बार को जो है अलग अलग स्कल्पचर थीम के द्वारा जो है डेकोरेट किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो सबसे नीचे का जो हॉरिजॉन्टल बार है उसके नीचे जो हमको क्या मिलती है, इमेजेस मिलती हैं किसकी, सलभंजिका की। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा सर्कल जैसा गोल गोल, तो और यहाँ पे कई ढेर सारे सर्कल सर्कल जैसे दिख रहे होंगे, तो ये क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपको जो कपड़ा आपने देखा, कपड़े का थान जो नहीं रहता, पूरा कपड़ा का रोल जो रहे, तो उसके तरीके से आपको दिख रहा होगा गोल गोल। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी है, जो कहानी जो है वो अनफोल्डिंग है, मतलब कि कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, कहानी अभी आगे चलती जाएगी। जिस तरीके से जो बौद्ध थे उनकी ज़िंदगी थी, या आपकी ही ज़िंदगी मान लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं होती, आपकी ज़िंदगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की कहानी आगे चलती जाएगी। तो यही बात, ये जो गोल गोल जो सर्कल जो है, ये यही बात बताने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है ये है सीटेट बुद्धा के बारे में, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम सीटेट बुद्धा जो कि हमको कहाँ मिलेगा, कटरा माउंट जो कि मथुरा में। तो रुकिए पहले मैं आपको जो है ये पिक्चर को मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सीटेट बुद्धा की इमेज है जो कि हमको मथुरा मिली है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये गोल सा, ये क्या है, ये है नोटेड हेड गियर जिसको कि आप उषा निशा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको आगे देखिए यहाँ पे दो पर्सन दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, और ये तो खुद गौतम बुद्ध हो गए। तो ये कौन है, ये जो है ये दोनों ही जो गौतम बुद्ध के जो गार्ड जिसको आप बोलते हैं, जो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे इनको, वज्रपाणि और पद्मपाणि। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मुद्रा में जिस तरीके से बैठे हुए हैं ये क्या चीज़ है, तो ये जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। अब अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है कि आप डरो मत, आप जो है रिलैक्स रहो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देखिए आपके कपड़े जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग संगति, ये एक तरीके का गारमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ये जो पॉस्चर है, जो लेक का जो पॉस्चर है ये क्या चीज़ है, तो ये जो है जिस पॉस्चर में ये बैठे हुए हैं, जिस तरीके से बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन का मतलब क्या होता है, तो इसमें जो है क्रॉस फोल्डेड लेग होता है। अब देखिए पद मतलब क्या होता है, लोटस। ठीक है, पैर मत समझिएगा, पद मतलब क्या होता है, लोटस। तो ये जो पैर है किस तरीके से किए हुए हैं, लोटस की तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो इमेज है ये कब कब की हमको मतलब किस टाइम पीरियड की है, 2nd सेंचुरी की है। ठीक है, अब वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध हैं, उनके दो बोधिसत्वा हैं जो कि पद्म, और ये जो है कौन है, पद्मपाणि और वज्रपाणि, और ये जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं, इनका जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है। ठीक है, इनका जो आपका बाल जो है वो क्या है, नॉटेड हेडगियर जिसको कि आप उषा निशा के भी नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, जो गारमेंट इन्होंने पहन रखा उसको क्या बोलते हैं, संगति, जो कि एक ही शोल्डर को कवर किया ना, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे फुल इमेज में, देखिए वाला शोल्डर नहीं कवर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शोल्डर इन्होंने कवर कर रखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो बुद्ध जिस किस चीज पे बैठे हुए हैं, एक लॉयन के थ्रोन पे। ठीक है, मतलब यहाँ आप देखिए ये शेर बना हुआ है ना, तो शेर के सिंहासन पे बुद्ध बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमने एक और इमेज को अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो देखिए ये किस मतलब किस डायनेस्टी के राजा के समय का रहा हो, तो कुषाण पीरियड का है। ठीक है, जो कि हमको मथुरा मिला हुआ है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बुद्धा हेड जो कि हमको तक्षशिला में मिला। तक्षशिला कहाँ पे है, गंधार में, जिसको आप एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बुद्ध का हेड है हमको मिला हुआ कहाँ पे, गंधार रीजन में, जो कि अब कहाँ पे, पाकिस्तान में। और ये भी 2nd सेंचुरी का ही मतलब 2nd सेंचुरी में ही इसको बनाया गया होगा। और ये किसको बिलोंग करता है, कुषाण पीरियड को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस आपको बुद्ध के हेड में जिस तरीके से इसको बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, ग्रीको रोमन एलिमेंट, मतलब जो ग्रीक थे, जो ग्रीको रोमन जो स्टाइल है उस तरीके से इसको बनाया गया, जिसको कि आप हेलसिंकी पीरियड जिसको मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो उसी स्टाइल पे इस धर को, इनके सर को उसी तरीके से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं हाफ क्लोज्ड आइज है। ठीक है, बालों का स्टाइल भी उसी तरीके का है और आंखें काफ़ी इलोंगेटेड हैं। तो वही बातें आप लिखी हुई हैं, देखिए आप आईज आर हाफ क्लोज, और जो इनके जो गाल हैं वो राउंड नहीं है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे और जो इमेजेस मिलेंगे, जो भी स्कल्पचर मिलेंगे, उसमें इनके गाल क्या है, राउंड है, लेकिन यहाँ पे इनके गाल राउंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडो ग्रीको सॉरी यहाँ पे ग्रीको रोमन स्टाइल जो है उस तरीके से इनके स्कल्पचर को बनाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको जो है नरेटिव्स भी मिलते हैं जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड हैं, या फिर जो भी जातक स्टोरीज हैं, और बोधिसत्वा के भी इमेजेस हमको मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अगला जो इमेज है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सीटेड बुद्धा जो कि हमको सारनाथ में मिले हैं। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो सर्कल, जो छोटा वाला सर्कल, यहाँ पे लगता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आसन कौन सा है, पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मुद्रा को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। तो जो पहला जो इन्होंने पहला जो स्पीच जो दिया था, जो पहला जो सरमन जो गौतम बुद्ध ने जो दिया था, उसी को ये आपको इमेज दर्शा रही है।
अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको जो इमेज है ये किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है, लेट 5th सेंचुरी को बिलोंग करती है, और ये कहाँ पर रखी हुई है, जो सारनाथ म्यूजियम है वहाँ पे हमको मिलेगी। अब ये इमेज किससे बनाई गई है, ये स्कल्पचर चुनार सैंडस्टोन से इसको बनाया गया। तो वही बात बताया जा रहा है कि ये पद्मासन बैठे हुए हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन को, ठीक दोस्तों, जिसको कि हम चक्र या व्हील से भी डिनोट करते हैं। आपको याद होगा मैंने ये सभी बातें आपको बता रखी हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो जो फेस है वो राउंड है, जो आंखें हैं वो हाफ क्लोज्ड हैं, और जो लोअर लिप, जो नीचे वाला जो लिप है, जो होठ जो है वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, जो नीचे वाला जो लिप है वो प्रोट्रूडिंग है, मतलब कि बाहर निकला हुआ है, और जो इनके जो गाल हैं वो राउंड हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो आपको जो है इनका जो चीक का जो साइज है वो कम मिलेगा एज कम्पेयर टू जो कुषाण पीरियड का जो हमको जो स्कल्पचर जो इमेज जो मिला, जो कि हमको मथुरा मिला, उसके मुकाबले, ठीक दोस्तों। और आपको पता है हाथी क्या शो कर रहा है, इनका जो हाथ है वो क्या शो कर रहा था, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा को, और इनका जो नेक है वो थोड़ा इलोंगेटेड है, और जो इनका जो ऊषा निशा है जिसको कि आप नॉटेड हेड गियर भी बोलते हैं, वो क्या है, सर्कुलर कर्ल्ड हेयर है। देखिए ऊपर देख लीजिए आप एक बार, और इमेज को देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सर्कुलर है और कर्ली हेयर है इनका। और देखिए दोस्तों, ये जो स्कल्पचर है, ये जो इमेज है, क्या दिखा रहा है कि ये जो गौतम बुद्ध जो हैं, ये काफ़ी एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं जिन्होंने अचीव क्या कर लिया है, निबान, निबान कह लीजिए, या फिर आप निर्वाण कह लीजिए, एनलाइटनमेंट कह लीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो एंगर है, गुस्सा है, और जो हेट, हेट मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, तो उनसे इनको जो है एंगर और हेट से इनको जो है मुक्ति मिल गई, ठीक है, सेसेशन मिल गया है। और जो इनका जो हेलो जो है वो बिना डेकोरेशन के एक मतलब प्लेन है बिल्कुल, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे, यहाँ कोई भी डेकोरेशन नहीं किया गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हेलो जो है। अब जो दोस्तों हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो एक पेंटिंग है पद्म पाणि बोधिसत्वा की, जो कि हमको अजंता के केव नंबर 1 में मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे इमेज को आप देख सकते हैं, तो देखिए इन्होंने पद्म पाणि है, तो ये क्या, इन्होंने लोटस पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो पद्म पाणि कौन है, होल्डिंग लोट, पद्म पाणि जो है लोटस को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है पद्म पाणि की वो कैसा है, त्रिभंगा है, मतलब कि ये इन्होंने अपने शरीर को 3 जगह से बेंड किया हुआ है। तो देखिए एक तो आपको गले के पास से दाएं, मतलब दाएं तरफ झुकी हुई लग रही होगी शोल्डर की ओर, तो ये देखिए एक यहाँ पे, और फिर उसके बाद शोल्डर के पास, और उसका फिर कमर के पास। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और इमेज है किसकी, वज्र पानी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक पेंटिंग है किसकी, महाजनक जात का, जो कि अजंता के केव नंबर 1 में है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब आगे हम बात करेंगे मारा विजय अजंता केव नंबर 26 के बारे में। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको लगेगी इस इमेज की। तो देखिए ये जो मुद्रा में जो गौतम बुद्ध हैं, ये कौन है, गौतम बुद्ध हैं, तो ये जिस तरीके से बैठे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो है जिस तरीके से बैठे हुए हैं इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। अब देखिए यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, जो मारा है, मारा का मतलब क्या है, डिजायर, ठीक है, तो मारा विजय का मतलब क्या हो गया, डिजायर के ऊपर विक्ट्री, डिजायर के ऊपर जीत, इच्छा के ऊपर जीत, इन्होंने इच्छा के ऊपर जीत प्राप्त मतलब विक्ट्री प्राप्त कर ली है। और देखिए ये जो मुद्रा में बैठे हुए हैं इस तरीके से, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जमीन को साक्षी मान के जब बुद्ध, जब गौतम बुद्ध जब तपस्या जब करने जब बैठे, तो उनके दिमाग में काफ़ी ढेर सारे जो है कमोशन आना स्टार्ट हो, कमोशन मतलब ख्याल, आप भी अभी चुपचाप बैठिए तो आपके भी दिमाग में कई ढेर सारी बातें चलने लगती है ना। तो उसके बाद बुद्ध के ऊपर कौन अटैक कर देता है, मारा जो है अपनी पूरी आर्मी के साथ अटैक कर देती है, ठीक है। तो उसमें जो है जो बुद्ध जो मारा ने जब अटैक जब किया, तो उसमें देख कई ढेर सारे खतरनाक खतरनाक जानवर भी थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनकी पूरी पूरी आर्मी थी। तो देखिए दोस्तों, तो जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मैं भूमि को स्पर्श मतलब जमीन को छू के मैं भूमि को साक्षी मानकर आपको माफ करता हूँ, ठीक है, और आपको जाने दे रहा हूँ। मारा बहुत खुश हुई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्ध को आशीर्वाद दिया कि मुझ पर जीत पा ली है, तो आप जो है जिंदगी में बहुत यश कमाएंगे,
ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ होगा शायद। मैंने कोशिश की है काफ़ी आपको बताने की कहानी। तो कहने मतलब यह है कि जो मारा है, मारा अपनी पूरी फौज के साथ अटैक कर देती हैं, तो लेकिन ये जो है गौतम बुद्ध के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाती पाती हैं। तो गौतम बुद्ध जो है उनको मारते नहीं, वो जो है वो क्या करते हैं, भूमि को साक्षी मान के कहते हैं कि मैं आपको जान दे रहा हूँ। तो मारा काफ़ी खुश होती हैं और वो कहती हैं कि आप को काफ़ी ज़्यादा आप जो है यश प्राप्त करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो देख सकते हैं यही बातें आप लिखी हुई कि जो मारा की आर्मी है वो अपने डॉटर मतलब अब इनकी बेटी भी आती है साथ में। और उसके बाद फिर जो है गौतम बुद्ध क्या करते हैं, उनकी इनको छोड़ देते हैं और फिर मारा जो है इनको आशीर्वाद देती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्कल्पचर है ये सबसे बड़ा स्कल्पचर है अजंता केव का, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला जो इस हमको इमेज जो डिस्कस करना है, जो स्कल्पचर जो डिस्कस करना है वो है महेश मूरी। तो रुकिए मैं अपने बुक को दोबारा से रोटेट कर लेता हूँ। तो ये कहाँ पे, ये है महेश मूरी जो कि एलिफेंटा में है। तो देखिए दोस्तों, ये इमेज है किसकी, शिवा की, जिसमें जो है शिव जी जो हैं इनके पांच फेस हैं। कितने हैं, पांच फेस हैं टोटल, चार जो हैं फ्रंट की तरफ हैं और एक जो है पांचवा जो है पीछे की ओर है। ठीक दोस्तों, और ये हमको कहाँ मतलब कहाँ पे इसके मतलब हमको टेस्ट मिलते हैं, जो शिल्प है उसमें हमको जो है इनके बारे में इस स्कल्पचर के बारे में टेस्ट हमको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमको इमेज मिलती है इसका क्या नाम है, महेश मूर्ति नाम है, जो कि हमको एलिफेंटा मिलती है। और ये किस टाइम पीरियड की है, 6th सेंचुरी की है, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये जो है शिव जी के लिए है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें जो हमको जो दो विजिबल हेड जो दिख रहे हैं उनका क्या नाम है, भैरव और उमा। ठीक दोस्तों, और जो सेंट्रल जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड फेस है, उसके जो मतलब जो आपका ये वाला जो इमेज देखिए, होठ जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक है ना, मोटे होठ हैं। और जो इनका जो आई लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शिल्प का एक टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि पांच फेस इंटीग्रेटेड फेस के शिव जी मतलब इनका एक अवतार है, और जिसमें जो है मतलब इनके बारे में इस तरीके का टेक्स्ट जो हमको मिलता है, ठीक है। जो तो जो पांचवा जो फेस है वो पीछे की ओर है, इस वजह से हमको जो है दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए दोस्तों, इसी तरीके की हमको इमेज कहाँ मिलती है, जो केव नंबर 29 है एलोरा का, वहाँ पे भी हमको इसी तरीके की इमेज मिलती है। तो दोस्तों देखिए, हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 24, सॉरी चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमने पढ़ा था पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। अब जो अगला जो चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं अपने बुक को दोबारा से रोटेट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको वो चीज़ें जो हैं उल्टी दिखेंगी। ठीक दोस्तों, तो हम देखेंगे मोरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के बारे में, हम इस चैप्टर को फिर अब अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब अगला लेक्चर रहेगा वो आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि और जो मेरे भाई बहन हैं जो प्रेरेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।